यहाँ मैंने पानी गर्म करने को रखा है बच्चों के लिए। बच्चों को मैं हमेशा बॉइल्ड वाटर देती हूँ, और ये साइड में छोटे पतीले में भी मैंने पानी गर्म करने को रखा है जो कि मैं अब पीऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में बनेगा इंस्टेंट डोसा, और जिसके लिए हमें चाहिए 2 बाउल सूजी यानी रवा, और हमें चाहिए थोड़ा सा बेसन 1 टेबल स्पून, और एक आधा बाउल हमें चाहिए राइस फ्लावर। और इसके साथ मैंने यहाँ पे पालक की प्यूरी बना ली है, और पालक की प्यूरी बनाते टाइम मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन, अदरक, मिर्ची, ओनियन और एक टमाटर। और इसके लिए चाहिए दही 2 टेबल स्पून, और अभी हम लोग ये सब मिक्स कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे डोसे का बैटर रेडी हो चुका है। इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ पे बन रही है टमाटर की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में शेयर करी थी, वो आप रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक इट। और गाइस, यहाँ पे है करेले का जूस जो कि मुझे पीना है, एंड आई हेट टू ड्रिंक इट, बट क्या करें, शुगर लेवल मैनेज करने के लिए पीना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। फ्रेंड्स, मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, और एक्चुअली कल से ना हमारे यहाँ पे पानी का बहुत इशू हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए सुबह उठने के बाद मुझे ये सब काम करना पड़ा, अदरवाइज मैं आराम से करती हूँ दोपहर में, बट ड्यू टू वाटर इशू मैंने आज फटाफट मशीन वगैरह लगा लिया। एक्चुअली कल के कपड़े ही बचे थे, वहीं मैंने मशीन में डाल दिए हैं। अभी फटाफट इन्हें सुखाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आज भी पानी का प्रॉब्लम है, इसके लिए फटाफट मैं नहा लेती हूँ, देन आई विल मीट यू। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग बनाएंगे ब्रेकफास्ट, और डोसे का बैटर बना के अभी 1 घंटा हो चुका है, और देखिए गाइस ये कितना गाढ़ा हो जाता है। एक्चुअली सूजी की वजह से होता है। इसमें हम लोग और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बनी है टमाटर की चटनी, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है गर्म करने के लिए। अभी डोसे के बैटर में पानी डाल के मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है, और अभी इसमें डालेंगे नमक, और हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि ऊपर डोसे को तेल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी डोसे का तवा हो गया है गरम, हम लोग इस पर डोसे का बैटर डालेंगे और डोसा बना लेंगे। ओके, अभी हम लोग इसे
इसे हम लोग पलट देंगे। ओके गाइस, अब ये डोसा बनके रेडी है और ऐसे ही हम लोग और एक डोसा बना लेंगे बाय फॉलोइंग द सेम मेथड। और फ्रेंड्स, मैं इसमें सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे भी इसमें दही मिक्स करेंगे और एक घंटे के लिए हम लोग इसे रख देंगे ढक के, तो ये अच्छे से बैटर सेट हो जाता है और सॉफ्ट डोसा बन के रेडी हो जाएगा। ओके गाइज, अभी और एक डोसा बनके रेडी है, इसे हम लोग पलट देंगे। सी गाइस, और एक डोसा बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे। सी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज रेडी और इंस्टेंट डोसे को मैंने टमाटर की चटनी और थोड़े से बटर के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे कोकोनट की चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत यमी और टेस्टी बनता है ये डोसा, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। अभी सारी बेडरूम की सफाइयाँ हो चुकी है और मेरी एक बच्ची फिर से सो रही है क्योंकि उसे जल्दी उठाया था मैंने नहाने के लिए ड्यू टू वाटर इशू। सारे बेडरूम लग चुके हैं और लिविंग रूम की भी सफाई हो चुकी है और यहाँ पे मेरी बच्ची ब्रेकफास्ट कर रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। और आज है मंडे और अभी बजे है सुबह के 11:30 और अब जाके मैं कहीं फ्री हुई हूँ। सुबह से मैं घर के कामों में लगी पड़ी थी क्योंकि हमारे एरिया में वाटर सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है गाइज, कल से ही पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन कल सारे काम निपट गए थे सुबह ही और पानी दोपहर में चला गया, इसके लिए कल कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन आज तो पानी आया है 7:30 और पानी चला गया 9:00, सिर्फ 1.5 घंटा ही पानी था और उसमें मैंने फटाफट सारे घर के काम निपटा लिए। और कल के जो कपड़े हैं वो रह गए थे, वो सुबह मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए, सारे कपड़े सुखा दिए, बाद में बच्चों को भी आज बेचारों को जल्दी उठा दिया और वो भी नहा धो के फ्रेश हो गए और फाइनली घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और इस काम के चक्कर में आज मेरा मॉर्निंग वॉक रह गया, मैं नहीं जा पाई मॉर्निंग वॉक पे। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आज मॉर्निंग वॉक की जगह पे इवनिंग वॉक कर लेते हैं। मैं शाम को 4:30 जाके 1/2 घंटा वॉक करके आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। और अभी मैं करने जा रही हूँ मेरे ब्लॉग का एडिटिंग, जो कि मैंने कल शूट किया था उसका एडिटिंग। एक्चुअली कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इसके लिए और आज मैं उसका एडिटिंग करूंगी और मिलती हूँ आपको एडिटिंग के बाद। लंच इज रेडी, काकड़ी टमाटर का सलाद, मूली का सलाद, मेथी की सूखी भाजी और रोटी। गुड इवनिंग गाइस, अभी बजे है शाम के 5:30 और अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए। एक्चुअली आज मेरा मॉर्निंग वॉक स्किप हो गया था पानी के प्रॉब्लम की वजह से, इसके लिए आज मैं शाम को वॉक पे जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे वॉक से आने के बाद।
फ्रेंड्स, आई एम बैक फ्रॉम वॉक। और वैसे भी वॉक से आके अभी आधा घंटा हो चुका है, और जनरली मैं शाम को व्लॉगिंग करती नहीं, लेकिन आज मेरा मॉर्निंग वॉक स्किप हो गया था, इसके लिए मैंने शाम को व्लॉगिंग की। और शाम को कुछ खास रहता नहीं है, जो सुबह का बचा हुआ रहता है खाना वो, और शाम को मैं कुकर चढ़ा देती हूँ, बस हम लोग उतने में ही हमारा काम हो जाता है, इसके लिए मैं शाम का व्लॉगिंग जनरली स्किप करती हूँ। शायद कल भी कंटिन्यू रहने वाला है, इसके लिए आज फटाफट खाना खत्म करके जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि कल जल्दी उठना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक मेरे व्लॉग्स आप देखते रहिएगा, मेरे व्लॉग्स पे लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय बाय, गुड नाइट।